गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग पीजीबीपी में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किया था ना, इसको अपने नंबरिंग फोर कर लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फोर। सो इनिशियली हमने पीजीबीपी का फुल फ्लेजेड सम्स किया, क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री, राइट। तो हमने ये तीन ठो किया है, डन। नाउ ये फोर वाला हमने कल कर लिया था, राइट। आज हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए और करेंगे। कंप्यूट फ्रॉम द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। नाउ एक चीज मैं आपको बताता हूं, लास्ट क्लास मैंने आपको पीजीपीपी में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का पूरा सब कुछ पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था। थोड़ा सा अभी और करूंगा। तो बेसिकली यहां पे डेप्रिसिएशन अगर पावर जनरेटिंग है तो एसएलएम बेसिस पे होता है, और डब्ल्यूडीबी मतलब ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे होता है, राइट। ग्रुप ऑफ एसेट नेचर एंड रेट शुड बी सेम। एडिशनल डेप्रिसिएशन दोज हु आर एंगेज्ड इन पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग, उन्हीं को एडिशनल डेप्रिसिएशन है। कौन कौन से केस में नहीं है? सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमाइसेस, ऐसा प्लांट जिसपे ऑलरेडी 100% डिडक्शन हम लोग क्लेम कर चुके हैं। ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे होता है, तो इसमें ओपनिंग डब्ल्यूडीबी एड एडिशन लेस सब्ट्रैक्शन। तो हम लोगों ने क्या सीखा? फर्स्ट एडिशन देन सब्ट्रैक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज एंड सेल, राइट। हाँ, सो कुछ कुछ नोट्स हम लोग फर्दर बनाएंगे। नोट इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज एंड सेल, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज एंड सेल, फर्स्ट एडिशन इज टू बी मेड एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक ऑन नोट देता हूं, अपन जब लेस कर रहे हैं ना, सेल प्रोसीड्स लेस कर रहे हैं, उसका कॉस्ट डब्ल्यूडीबी से कोई मतलब नहीं है, राइट। सेल प्रोसीड of the asset sold is subtracted, not cost oblique WDV of asset sold. Accounts में क्या करते हैं अपन? जो भी block of assets होता है, जो भी balance of machinery होता है या कोई भी asset हुआ, उसमें से अपन cost हटा देते हैं और प्रॉफिट लॉस अलग से निकालते हैं। बट जो भी बिजनेस का एसेट है ना, ये बिजनेस का एसेट हो गया ना, बिजनेस में डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो जो भी बिजनेस का एसेट है उससे अपन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, सीधा सेल प्रोसीड लेस करेंगे। मतलब यहां पे वन टू वन मैपिंग नहीं होता है, वहां पे क्या होता है M1, M2, M3, M4, जो एसेट बेचा उसका डब्ल्यूडीबी से सेल प्रोसीड को कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आता है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, सीधा सेल प्रोसीड लेस कर दो, तो जो बचा हुआ बैलेंस है उस पर अपन डेप्रिसिएशन दे देंगे। तो कौन कहां से कैसे करके बचा, यहां पे बिल्कुल भी मतलब अपन को नहीं है, ठीक है। सो आइए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। लेट अस गो थ्रू वंस।
ठीक है। तो अपन को डेप्रिसिएशन निकालना है 23-24 का। ये हमारा ओपनिंग WDP दिया हुआ है। अच्छा मई 23 को बेच दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले ये दोनों ऐड करेंगे फर्स्ट, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट होगा। हालांकि अगर डेट वाइज आएंगे तो पहले सेल माइनस होना चाहिए, उसके बाद ये दोनों परचेज ऐड होना चाहिए, बट फॉर्मेट ऐसा है कि पहले परचेज ऐड होगा उसके बाद सेल माइनस होगा। सेल जब माइनस करेंगे तो उसका कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, सेल प्रोसीड सब्ट्रैक्ट होगा। देखो एक एसेट को हमने एंड ऑफ द ईयर बेचा, उससे भी मतलब नहीं है, उसका कॉस्ट से भी मतलब नहीं है, उसका सेल प्रोसीड से मतलब है, राइट? फर्स्ट एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। प्लांट एंड मशीनरी 15% बोला है, ट्रेडर बोला है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। सो यहां पे क्या होगा, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, है ना? अच्छा अगर मैं डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात करूं तो ओपनिंग पे 100% डेप्रिसिएशन होता है, मतलब पूरा 15%। जो परचेज मैंने जून में कर लिया इस पे भी 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस, इस पे 50% अलाउंस। ये डिडक्शन परसेंटेज नहीं है, अलाउंस है, कितना परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। एक होता है 100% डेप्रिसिएशन क्लेम करो, वो अलग चीज हो गया, मतलब 1 लाख का एसेट है तो 1 लाख डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां पे ये अलाउंस का परसेंटेज है, दिस इज अलाउंस परसेंटेज, डेप्रिसिएशन निकालो उसके बाद इतना इतना परसेंट अलाउ होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज अलाउंस परसेंटेज, राइट? आज जो मैं यहां पे लास्ट क्लास जितना भी बात किया आप लोगों के सामने, ये डेप्रिसिएशन नहीं बात किया, दिस इज अलाउंस परसेंटेज, मतलब डेप्रिसिएशन निकालो उसका 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस, 50% डेप्रिसिएशन अलाउंस, मतलब फुल रेट या हाफ रेट। समझा? जैसे डेप्रिसिएशन 15,000 आया, अकाउंट्स में जितना जितना दिन यूज करेंगे उस हिसाब से अलाउंस मिलेगा। टैक्स में या तो 15,000 का अलाउंस मिलेगा या 50% ऑफ 15,000 का अलाउंस मिलेगा। रेट 100% 50% नहीं, अलाउंस जो डेप्रिसिएशन उसका अलाउंस, राइट? इज इट फाइन? यहां पे रेट 20 है और जो लेस देन होगा उसमें 10% है, मतलब अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो 50% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड, ओनली 50%। रिमेनिंग 50% नेक्स्ट ईयर, इसलिए अपन क्या बोले 10% कर दिया। 50% ऑफ एडिशनल, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है तो 50% ऑफ 20 इज 10%।
तो यहां पे जो मैं 150 की बात कर रहा हूं, ये डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात कर रहा हूं, समझ में आया मेरी बात? ये देखो 50% डेप्रिसिएशन अलाउंस मतलब हाफ रेट, फुल रेट, फुल रेट हाफ रेट, हाफ रेट, ठीक है ना? चाहिए क्लियर, शुरू करें? सो दिस इज प्लांट एंड मशीनरी, रेट 15%, ठीक है? तो फर्स्ट, पहले एडिशन होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मैंने बोल दिया था। तो फर्स्ट जून का 12,000 कॉस्ट है और इसका 20,000, मिला के कितना होता है? 182 लेस, सेल प्रोसीड्स, कॉस्टिंग से मतलब नहीं है। एक हमने बेचा मई में और एक हमने बेचा ईयर एंड। मई में जो बेचा उसका 1,000, ईयर एंड में जो बेचा उसका 12,000। So this is closing WDV before depreciation. तो डेप्रिसिएशन निकालना है अपन को, खाली नॉर्मल वाला आएगा, एडिशनल तो आएगा नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ओपनिंग वाले पे 100% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, 15% का 100%, राइट? मतलब जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसका 100%। जो जून में खरीदा इसका ऑलरेडी 180 डेज से ज्यादा है,
इस पे भी 100% अलाउ होगा और इस वाले पे 50% अलाउ होगा, हाँ या ना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, कौन कहां से कैसे बचा, देखो ये जो भी बेचा है ना हमने, ये इसमें होगा, ये दोनों ओपनिंग WDV में होगा, हाँ या ना। जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर बेचा, पुराना कोई एसेट होगा और पुराना एसेट ओपनिंग WDV में होगा, उतना माथा लगाने का दरकार नहीं है तुमको, ये वाला चीज करने का दरकार बिल्कुल भी नहीं है। तुमको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस 169 है ना, इस पे कुछ अमाउंट पे हाफ रेट लगेगा। पहला तो सीधा सेल प्रोसीड माइनस करो, नो कॉस्ट नो WDV, ओनली सेल प्रोसीड्स, ठीक है, क्लियर। माइनस करके बैलेंस आया, अब इस पे डेप्रिसिएशन होगा, मैंने बोला था डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड WDV, तो अपन को सिंपल फंडा लगाना क्या है, क्या लगाना है सिंपल फंडा, इसमें से हाफ रेट वाला खोजना है। तो क्या तुमको हाफ रेट यहां मिलेगा, क्या तुमको ये वाला एडिशन में मिलेगा, ये वाला तुम्हारा हाफ रेट है, खाली तुमको हाफ रेट खोजना है। तो ऑन रुपीस 20,000 एट द रेट 7.5%, हाँ, अब बैलेंस कितना है, 149। सर ओपनिंग WDV तो 1.5 लाख है, उसमें से आपका 13,000 का एसेट आपने बेच दिया, उसका कॉस्ट 70,000 है, वो सबसे मतलब नहीं है, माथा मत लगाओ। रिमेनिंग जो बैलेंस आएगा, यही ओपनिंग WDV है, यही 180 से ज्यादा वाला परचेज है, रिमेनिंग पे सीधा 15% लगा दो। यहां पे 1-to-1 मैपिंग नहीं होता है, पहले आप WDV निकाल लीजिए नॉर्मल, भूल जाइए सब कुछ, फिर जिस पे 50% अलाउंस है, जिस पे भी 50% अलाउंस है, जिस एसेट पे भी 50% अलाउंस है, उसको अलग करिए, उसका 50% मतलब 7.5% हो जाएगा, बाकी पे फुल रेट लगा दीजिए। कितना आ रहा है, इसका 1500 आएगा आई गेस, और 149 का 15% करो, कितना आया, 23,850। तो ये हमारा एज पर इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन आ गया। तो अगला साल के लिए ओपनिंग WDV ये वाला होगा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। हम 145,150। ठीक है, क्लोजिंग WDV निकाल लेंगे, माथा नहीं लगाएंगे, सिंपल, बड़े आगे। सो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऐड हो जाएगा और ये वाला लेस हो जाएगा। ये एज पर इनकम टैक्स, ठीक है, नेक्स्ट। एक और सम करते हैं, वही डेप्रिसिएशन निकालना है, ट्रेडर मतलब नो एडिशनल डेप्रिसिएशन,
15% रेट है ओपनिंग WDV में, पहले ये तो एडिशन होगा, ओपनिंग WDV में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन अलाउंस होता है? 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस जो जुलाई में खरीदा, 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस, और जो जनवरी में खरीदा 50% डेप्रिसिएशन अलाउंस, डन। दो ठो सेल हुआ है तो क्या इसको डेट वाइज लेस करेंगे कि पहले ऐड कर दे उसके बाद लेस करें? पहले ऐड कर देंगे उसके बाद लेस करेंगे, तो ये डेट से भी मतलब नहीं है अपन को, कॉस्ट से भी मतलब नहीं है, सीधा ये दोनों लेस हो जाएगा। तो क्लोजिंग WDV आएगा, उसमें से जो बचेगा उसमें से क्या निकालेंगे? हाँ कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग WDV आ गया, ओपनिंग एड एडिशन लेस सेल प्रोसीड, क्लोजिंग WDV में क्या खोजेंगे? 50% वाला को खोजेंगे, बाकी पे सीफूला लगा देंगे। समझ में आ गया? एकदम सिंपल फंडा है, माथा नहीं लगाएंगे कहां से कैसे करके क्या बचा, राइट? हाँ कर लेते ना। ओपनिंग WDV, तीन लाख एड एडिशंस, 1 जुलाई 23, 1 जनवरी 24, 7 लाख, 6 लाख, कितना आया टोटल? आ गया 16 लाख। सेल प्रोसीड्स लेस करेंगे, ठीक है? एक है मई में, एक है दिसंबर में, ₹15,58,000, ठीक है?
नोट वन, तो खाली इसी पे 50% अलाउंस है, तो क्या होगा, रेट का आधा हो जाएगा, 6 लाख पे 7.5 मतलब 45,000, और बाकी कितना, वेरी गुड, मतलब इसमें से 6 लाख हटाओ, बाकी बचा 958। अब 958 कैसे बचा वो जानने का दरकार नहीं है, बैलेंस WDV 1558 में 6 लाख हटा दो हाफ रेट वाला, बाकी पे फुल रेट लगा देंगे। कितना हुआ, 143,700, तो कितना है, इट ओके, चलो चलिए, नंबर 7 वाला पढ़ते हैं, एडिशनल डिप्रिशन मिलेगा, हाउ, तो नॉर्मल प्लस एडिशनल दोनों मिलेगा, अब यहां पे काफी सारा एसेट है, ये जो ओपनिंग WDV दिया है ना, ये प्लांट का है, 15% मतलब प्लांट होता है, ये भी प्लांट में ऐड होगा, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, एडिशनल नहीं होगा, नॉर्मल तो मिलेगा, मोटर कार, प्लांट है लेकिन इस पे एडिशनल नहीं मिलेगा, फैक्ट्री प्लांट, प्लांट है एडिशनल मिलेगा,
फैक्ट्री प्लांट इस पे भी मिलेगा, कंप्यूटर का अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा क्योंकि रेट अलग हो गया ना। ओपनिंग WDV दिया हुआ है तुमको 15% का, ओपनिंग WDV दिया, बाकी ये सारा एसेट खरीदा है यहां से लेके नीचे तक। अब जो इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है वो इस ब्लॉक में ऐड होगा, बाकी सब अलग से आएगा। तो अगर मैं इसको ब्लॉक वन बोलूं तो ये ब्लॉक वन में आएगा हा? ब्लॉक वन, ब्लॉक वन, ब्लॉक वन, कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी बट अलग से आएगा ब्लॉक टू। और मैंने बताया था जो ऑफिस में यूज होता है उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होता है। एनी प्लांट एंड मशीनरी विच इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल हाउस, गेस्ट हाउस, बुक्स बीइंग एनुअल पब्लिकेशन, ब्लॉक थ्री बुक्स का रेट अलग है ना, ब्लॉक थ्री में आएगा। सेल ऑफ प्लांट ब्लॉक वन में लेस होगा, है ना। ब्लॉक फोर सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, परचेज गुडविल है, इस पर डेप्रिसिएशन होगा। नॉर्मल जो अपन सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखाते हैं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो ये इंटेंजिबल एसेट का अलग से ब्लॉक बनेगा। एक बार अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लॉज देख लेते हैं। ठीक है, तो मोटर कार का 15% इसलिए सेम ब्लॉक में डाल दिया उसको। कंप्यूटर का 40 अलग से ब्लॉक में डालना पड़ेगा। राइट, हाँ, रेट जनरली दे देता है, बट कुछ कुछ चीज का तुम याद रख सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। बुक्स एनुअल पब्लिकेशन हो 40%, इंटेंजिबल एसेट का 25, गुडविल वगैरह पे डेप्रिसिएशन नहीं है, बट ये परचेज गुडविल है। ठीक है, एक बार स्टार्ट करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
प्लांटर मशीनरी का कम से कम करो 2 मिनट्स।
हुआ। आइए क्वेश्चन सेवन। सबसे पहले हम लोग पहला ब्लॉक का करते हैं। ब्लॉक वन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। रुपीज इन करोड़ कर लो, पूरा पूरा लिखने का दरकार नहीं है। ओपनिंग WDV 25। एड एडिशंस, ये चारों प्लस होगा, एक दो तीन चार, सब 15% कैटेगरी में फॉल कर रहा है। कंप्यूटर 40%, बुक्स भी 40%, ठीक है। गुडविल इंटेंजिबल, क्लियर। क्या क्या डेट है? 1 मई, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 जनवरी। एक मई, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 जनवरी, कितना है? वन फिफ्टी सेवन लेस सेल प्रोसीड्स, फोर करोड़। ठीक है, ठीक है। नोट वन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो नॉर्मल में क्या करते हैं, 153 करोड़ का क्या खोजेंगे, 50% अलाउंस वाला, बाकी पे फुल रेट, कौन कहां से कैसे बचा मतलब नहीं है। तो इसमें से 50% अलाउंस वाला क्या है, ये 100% अलाउंस वाला है,
दिस इज 100% अलायंस, दिस इज 100% अलायंस, दिस इज 100% अलायंस, दिस इज 100% अलायंस। सेप्टेंबर है, यही एक ऐसा है जो 50% अलायंस वाला आइटम है। बारह, है ना? सो ऑन रुपीस 12 सीआर एट द रेट 7.5%, बाकी 141 सीआर पे करो कितना 0.90 21.15। ठीक है, ये तो यहीं से मालूम चल गया, सॉरी उधर जाने का दरकार ही नहीं था। ठीक है, अब ये सेकंड हैंड है, ये मोटर कार है, ये प्लांट है, ये प्लांट है। अब बात करेंगे अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन का, तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, खाली ये दोनों एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्वालिफाई करेगा। हाँ है ना? तो 95 वाला ये मोर देन 180 है और ये लेस देन 180। सो ऑन 95 करोड़ एट द रेट 20% कितना आ रहा है? 19 एंड ऑन 12 करोड़ कितना? 42.25, समझ गया ना? ये क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन है एंड दिस इज क्लोजिंग WDV, कितना आ रहा है? 110.75। ठीक है, अब यहां पे क्या है, मैं चाहूं तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि ये बुक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, हो सकता है ना? क्योंकि इसका भी 40% रेट है अगर देखो तो, इसका भी 40% है। So if I want, I can combine these two. And इसका तो 25% है ना?
आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लॉज ठीक है। दो चीज प्लांट में ऐड हुआ, सेकेंड हैंड एंड मोटर कार, बाकी नीचे कोई भी एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होगा। सो क्विकली करेंगे। ब्लॉक टू कंप्यूटर एक जनवरी 24 50% अलाउंस है ना, जनवरी में खरीदा, जनवरी से माल लेस देन 180 हो रहा है। मैं चाहूं तो यहां पे बुक्स का भी कर सकता हूं, 40%। इंटेंजिबल्स का 25%, इसका नील है, इसका नील है। बुक्स में पूरा 40% होगा, मोर देन 180 है ना। और इसका 25%, इस तरीके से कर सकते हैं अपन कॉलमनार फॉर्म में। प्लांट को इसमें नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे एडिशंस हैं।
ठीक है। अभी कई बार क्या होता है, ब्लॉक का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मतलब नो ब्लॉक नो डेप्रिसिएशन, मतलब हुआ ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक है ही नहीं। कब होगा? व्हेन ऑल द एसेट्स इन द ब्लॉक आर सोल्ड। अगर सारा का सारा एसेट मैं बेच दूं, सो पॉजिटिव फिगर होने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, नेगेटिव होने से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। मतलब ब्लॉक का अस्तित्व ही खत्म, या जब सेल प्रोसीड ज्यादा है किससे, ओपनिंग WDV प्लस एडिशन से, तो नेगेटिव आने से, मतलब सेल प्रोसीड इतना ज्यादा है कि वो वैल्यू को नेगेटिव कर दे रहा है, तो वैल्यू को नेगेटिव कर देगा तो डेप्रिसिएशन कहां से आएगा? ठीक है, क्लियर। आइए, एट वाला हम लोग करेंगे बाद में। देखिए, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, जब सेल प्रोसीड एक्सीड कर रहा है इन दोनों का टोटल को, तो डिफरेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे ओपनिंग WDV 1 लाख है, एडिशन 50,000, तो दोनों का टोटल कितना आया, 1.5 लाख। एसेट का कॉस्टिंग से मतलब नहीं है, बेचा 175 में, तो 175 लेस करते ही तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। ये यहां पे अगर 175 में लेस करूं तो ये -25 आएगा, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्लोजिंग WDV नहीं होगा। कुछ भी पॉजिटिव आने से अपन क्या करते हैं, हाफ रेट वाला खोजते, बाकी पे फुल रेट लगा देते हैं। लेकिन यहां पे सेल प्रोसेस इतना ज्यादा है कि डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है।
जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट।
इज इट डन नाउ? आइए हम लोग इसका क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर मैंने सारा एसेट बेच दिया, राइट जब एस ब्लॉक में एसेट ही नहीं है तो फायदा क्या? अब जैसे देखो यहां पे चार कंप्यूटर है, छह खरीदा, दस हो गया, नौ बेच दिया, एक डिस्ट्रॉय हो गया। सेल प्रोसीड में इंश्योरेंस क्लेम भी आएगा, ठीक है? दस हो गया, दस एसेट बेच दिया, तो वैल्यू कोई एसेट है फिजिकली, तो जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आया तो लॉस, नेगेटिव आया तो गेन। ठीक है, यहां पे क्या है? दो है, एक खरीदा और एक बेचा है, तो टू प्लस वन माइनस वन अभी भी दो है, मतलब ब्लॉक जिंदा है। तो ब्लॉक मरेगा कब? जब सेल प्रोसीड ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, यहां तो 10 माइनस 10 जीरो हो गया ना, यहां तो 10 माइनस 10 जीरो हो गया, ब्लॉक खत्म हो गया। नेगेटिव आए तो गेन, पॉजिटिव आए तो लॉस। यहां ब्लॉक अभी भी जिंदा है लेकिन मरेगा कब? जब सेल प्रोसीड्स ज्यादा हो। तो वही है, यहां पे देखो सेल प्रोसीड्स 29 लाख है और इन दोनों को ऐड करके 14 लाख हो रहा है, तो ब्लॉक मर गया। जिंदा में ब्लॉक एक ही केस में मरेगा, जब सेल प्रोसीड ज्यादा हो जाएगा। यही अगर सेल प्रोसीड 1 लाख होता तो ब्लॉक जिंदा रहता, डेप्रिसिएशन देते। ऑटोमेटिक आ जाएगा, नेगेटिव मतलब ही कैपिटल गेन, जो नेगेटिव पोर्शन होता है वही कैपिटल गेन होता है। तो WDV भी नहीं लिखेंगे, सीधा नीचे कैपिटल गेन लिखेंगे, ठीक है? आइए करते हैं। क्वेश्चन 9, ब्लॉक वन कंप्यूटर 40%, ओपनिंग WDV चार एसेट का 2 लाख,
एडिशंस छह एसेट का 3 लाख, तो 5 लाख आ गया लेस। सेल प्रोसीड्स 9 एसेट का 1,20,000, इंश्योरेंस क्लेम 1 एसेट का 30,000, तो 10 में से 10 कट गया, तो ये जो 3.5 लाख आया ना, इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ठीक है, ब्लॉक टू बिल्डिंग, ओपनिंग WDV 2 लाख, एडिशंस कब हुआ है चेक कर लो, 1 नवंबर को, ₹12,14,000 आया। अभी यहां पे 2 एसेट है, एक खरीदा 3, तो ब्लॉक फिजिकली जिंदा है बट वैल्यू वाइज मर जाएगा। यहां फिजिकल भी जिंदा नहीं है, फिजिकल जिंदा है क्या यहां पे? लेकिन यहां फिजिकली ब्लॉक अभी जिंदा है, लेकिन ये 29 लाख है। अभी मैं तुमको एक चीज कराता हूं, वेट करो वेट करो। मान लो ये 1 लाख होता, मान लो ये 1 लाख होता, ठीक है, तो 13 लाख आता क्लोजिंग WDV, 2 एसेट अभी भी है इसमें, तो ब्लॉक जिंदा है, 13 लाख पर डेप्रिसिएशन देते तो कैसे देंगे? पहले हाफ रेट खोजेंगे, बाकी पे फुल रेट। तो ये 100% अलाउंस वाला आइटम है, यही खाली 50% वाला है, हाँ या ना? ये 100% नीचे वाला ही 50% है, तो क्या करते हैं? बारह लाख पे 5%, बाकी 1 लाख पे, समझ गया मेरा बात? तब डेप्रिसिएशन देते, हाँ या ना? ब्लॉक जिंदा है, सेल प्रोसीड ज्यादा भी नहीं है, 13 लाख आया WDV, इसमें से हाफ रेट अलग करो, हाँ, बाकी पे फुल रेट लगा दिया, क्लीन, हाँ। लेकिन हमारे केस में क्या है? ये सब कुछ नहीं है। हमारे केस में सेल प्रोसीड मार दे रहा है ब्लॉक को, तो ये जो 15 लाख आ रहा है, ये हमारा क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इज इट फाइन? फिजिकली
ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट एसपी मोर देन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एडिशन. ठीक है ना, तो इन सब चीज को रिवाइज करिए. ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. बाय बाय.